केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में यात्रियों की भीड़ सैलाब की तरह अनियंत्रित हो गई। गुप्तकाशी फाटा से सोनप्रयाग पहुंचे यात्री बैरिकेटिंग तोड़कर बाजार की तरफ बढ़ गए, जिन्हें नियंत्रित करने में प्रशासन और पुलिस के पसीने छूट गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा में पहले दिन से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कपाट खुलने के बाद 10 दिन में ही दर्शनार्थियों की संख्या 2,81,000 के पार पहुंच गई है। हजारों की संख्या में पहुंचे यात्रियों से पूरे सोनप्रयाग बाजार में मानव जाम की स्थिति पैदा हो गई। ये स्थिति सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखने को मिल रही है। इस दौरान वीडियो में एक व्यक्ति बता रहा है कि कैसे यात्री बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े और कैसे जाम जैसी स्थिति पैदा हुई। वीडियो में कहा जा रहा है कि पुलिस भी इस भीड़ को नियंत्रित करने में नाकामयाब रही। व्यक्ति का कहना है कि जिस तरह से ये भीड़ केदारनाथ की तरफ बढ़ रही है, उससे किसी भी खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। इधर सोनप्रयाग में तैनात सेक्टर अधिकारी मनोज बिष्ट ने भी स्वीकार किया कि सुबह के समय यात्रियों की भीड़ अनियंत्रित हुई थी, जिसे नियंत्रित करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी और दोपहर के बाद 1 बजे स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। उन्होंने बताया कि कपाट खुलने के दिन से ही बाबा केदार के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।